जो प्लास्टिक प्लांट्स रहते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स रहते हैं, वो वाले प्लांट्स देखेंगे हम। तो हमारे पास में आज के माल में कौन कौन से प्लांट्स आए हैं ये आप देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले प्लांट्स से जो एकदम रीजनेबल है बाउल्स के लिए। ये वाला हमारे 4 इंची प्लांट्स बाउल्स में जो यूज़ होने वाला प्लांट्स है। ये 4 इंच का प्लांट्स है, एकदम बढ़िया खूबसूरत प्लांट्स है। इसको हमें तो होलसेल रिटेल, सभी आइटम को हम होलसेल रिटेल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर अलग अलग कलर है, अपने पास में कलर कौन कौन से वो भी चेक करेंगे। ग्रीन, ये देखिए हमारे पास में पर्पल पिंक दोनों मिक्स में बढ़िया प्लांट्स है। ये बाउल्स के अंदर छोटे वाले 1 फीट के टैंक के अंदर हम लगा सकते हैं, बड़े टैंक में भी ये थोड़ा सा लुक आने के लिए इसको भी हम लगा सकते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट कलर है, दूसरा कलर है, बहुत ही सबसे सस्ते वाले और कम से कम रेट में होलसेल में जो मिलने वाले प्लांट्स है। ये वाला प्लांट्स है 4 इंची 5 इंची, पर ये थोड़ा सा बड़ा है पहले वाले जो प्लांट्स है उससे। और कलर तो इसका देखते ही अपन कि पर्पल पिंक कलर मिक्स किया है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। इसको अपन हटा देंगे यहाँ से। और उसके टाइप में हमारा ये देखेंगे एक पर्पल और ग्रीन शेड में, पर्पल ग्रीन जैसा कि पिंक शेड भी थोड़ा सा होता है इसका। तो ये भी हमारे छोटे बाउल्स के लिए, तो प्लांट्स लगाएंगे तो बाउल्स के अंदर डेकोरेशन, टैंक में डेकोरेशन अच्छा होगा इससे भी। और प्लांट्स लगाने से मछलियों को घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा दिखता है उनको भी। उससे थोड़ा सा बिग साइज़ में देखेंगे हमारे पास में ये वाले ऑरेंज कलर के बढ़िया ऐसे प्लांट्स है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये वाले जो प्लांट्स है इसकी एक हेड 12 इंच 12 इंच है, 12 इंच के प्लांट्स है ये। ये हमारे पास में अवेलेबल है अच्छे से और शाइनिंग बहुत बढ़िया है इसकी। ग्रीन कलर में भी ऐसी ये भी प्लांट्स है। इम्पोर्टेड टैंक्स के अंदर इसके अंदर हम नॉर्मली जो टैंक की हाइट है तो 15 इंच से अगर ज़्यादा है उस एक्वेरियम के अंदर हमें तो इस प्लांट्स को लगा सकते, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर डिज़ाइन देखेंगे हम, दूसरा वाला भी डिज़ाइन हमारे पास में है, अवेलेबल है। देखिए ये वाला प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत, अच्छा नया आइटम है, एकदम ओरिजिनल नेचुरल जैसा प्लांट्स है ये, और एकदम रिजनेबल रेट में, कम रेट में, चीप रेट में। और जैसा कि देखते हैं हमारे पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे बारीक बारीक डिज़ाइनिंग में अच्छा सा प्लांट्स ये भी अवेलेबल है। दूसरा देखेंगे हम ग्रीन येलो शेड, येलो और ग्रीन शेड में ही आप इस थोड़ा सा ये थोड़ा सा चौड़ा झाड़ है, बड़ा झाड़ है ये, जो पहले देखते थे हाइट जाती है इनकी, हाइट है तो 9 इंच तक हाइट है इसकी। और इसी टाइप से हम देखेंगे सिलिकॉन प्लांट्स नए नए टाइप में, समंदरी कोरल जैसा लुक आता है इनका, सिलिकॉन प्लांट्स है। सिलिकॉन प्लांट्स में अपने पास अलग अलग कलर अवेलेबल है। ये सबसे स्मॉल साइज़ का सिलिकॉन प्लांट है, इसमें हम देखेंगे अभी मीडियम साइज़ में, ये वाला मीडियम साइज़ का मल्टी कलर का सिलिकॉन प्लांट्स अच्छा लगता, बढ़िया लगता। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर बिग साइज़ में प्लांट्स अवेलेबल है, ये वाले प्लांट्स को भी आप एक्वेरियम के लिए ऑर्डर कर सकते हैं मेरे से। ये भी नए माल में हमारे पास में बढ़िया अलग अलग कलर लुक में है, तो प्लांट्स अवेलेबल है ये। तो दोस्तों हमारे पास में अगर टॉप फिल्टर बनाते हैं या हमें तो ग्लास में फिल्टर बना सकते हैं एक्वेरियम के अंदर, उस ग्लास में फिल्टर बनाने के बाद में हमारे पास में एक्वेरियम में देखते हैं कि मछलियां गंदा करती है और उसमें अमोनिया बनता है, अमोनिया से मछली मर सकती है। तो उसके लिए हमें तो टॉप फिल्टर हम घर में बना सकते हैं, और टॉप फिल्टर के अंदर हमें अमोनिया कॉइन है, इस कॉइन का भी स्टॉक हमारे पास में अवेलेबल है। इस अमोनिया कॉइन को हम थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे। इस कॉइन का काम ये है कि ये एक वाटर को, पानी को अपने फ्रेश करता है। अमोनिया कॉइन है ये, तो पानी के अंदर से अमोनिया का लेवल कम करता है। फिल्टर के अंदर हम जिस टाइप से टॉप फिल्टर या इंपोर्टेड टैंक अगर है हमारे पास में तो उसके अंदर के ये है, तो अमोनिया कॉइन है तो हम चेंज करना ज़रूरी है। अमोनिया कॉइन चेंज करने से इसके पानी भी साफ़ रहेगा, फिल्टर करता रहेगा, साफ़ करता रहेगा। ये वाला जो कॉइन्स है हमारे
फिल्टर एक्वेरियम के मोल्डिंग टैंक में ज़रूरी है। फिल्टर हम अगर बनाते हैं, टॉप फिल्टर है, उनके अंदर ये लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास में अवेलेबल है, आप इसे भी ऑर्डर करा सकते हैं। कॉइन है हमारे पास में, ये भी कार्बन कॉइन 1 किलो का पैकेट में अवेलेबल है, आप इसे भी ऑर्डर करा सकते हैं एकदम बहुत ही चीप रेट में। तो दोस्तों अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमें पानी कूल होता है, पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी मछलियाँ मर जाती है। मछली मरने के हमें पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास में हीटर है। हीटर के अंदर हम देखते हैं कि 50 वैट और 75 वैट ये अलग अलग 100 या 200 इन सभी वैट्स के अंदर हमारे पास में ये वाला जो है सो हीटर अवेलेबल है। और इस हीटर का काम वर्किंग सही कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे पास में पानी का टेम्परेचर कितना है क्या है वो सब चेक करने के लिए हमें तो यहाँ पर देखते हैं कि ये थर्मामीटर है हमारे पास में, हैंगिंग वाला थर्मामीटर। ये थर्मामीटर हमें बताएगा कि हमारे पानी का टेम्परेचर कितना है एक्वेरियम मछलियों का। जैसा कि हमें तो पानी का टेम्परेचर है तो 28 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो उसके लिए हमारा ये हीटर काम कर रहा है या हीटर नहीं लगाते तो पानी का टेम्परेचर कितना है ये वाला काम बता देगा थर्मामीटर। और पहले हमारे पास में तो एक बुश वाले और स्टीकर वाले थर्मामीटर भी अवेलेबल है, आप उसे भी ऑर्डर करा सकते हैं, ये भी ऑर्डर करा सकते हैं, ये लगाना ज़रूरी है अपने को। तो दोस्तों हमारी जो मछलियाँ हैं, जब भी हमें पानी चेंज करना होता है या मछली को है तो हमें तो निकाल के बकेट में डालना होता है, कोई मछली की अगर डेड होती है तो उसको हैंडलिंग करने के लिए हमें तो हाथ नहीं लगाना चाहिए मछलियों को कभी भी। तो मछलियों को हमें तो हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास में हैंडल नेट्स में जो बाउल्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे छोटे वाले बाउल्स रहते हैं उसके लिए स्मॉल साइज़ का हमारे पास में नेट अवेलेबल है। ये वाला स्टॉक है, इसके होलसेल रेट में हमारे पास में एकदम रिजनेबल में सबसे चीप रेट में कम से कम रेट में मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो बड़ा साइज़ में एक 4 इंची नेट्स है, 4 इंची नेट्स। इस नेट्स के थ्रू तो हमें तो 1 फीट से 1.5 फीट के 2 फीट के अंदर छोटे टैंक के अंदर और बाउल के अंदर भी इस नेट का हमें यूज़ कर सकते हैं। और इससे बड़ा साइज़ है जैसा कि हम देखते हैं कि 3 फीट तक की अगर एक्वेरियम है हमारा और मछलियाँ हैं तो एक छोटी छोटी गोल्डन मछली है तो उसको निकालने के लिए हमें तो ये वाला नेट ज़रूरी है। तो 5 इंच का नेट है। और इसके बाद देखेंगे हमारे पास में अगर बड़ा टैंक है 3 फीट 4 फीट हमारी मछलियाँ बड़ी है जैसा कि शार्क है, कोई है, बड़े बड़े फिश है और फ्लोरन फिश है बड़े साइज़ के, तो वो फिश है तो छोटे मोटे नेट में हैंडल में नहीं आते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे है तो 8 इंची नेट की ज़रूरत पड़ सकती। 3 फीट के 4 फीट के एक्वेरियम तक ये हमारा बड़ा साइज़ का नेट 8 इंच का 8 इंच का अवेलेबल है, इसको आप ऑर्डर करा सकते और हम इसको तो पार्सल बुकिंग में भेज देंगे। अब इसके आगे वाला जो हमारा एसेसरीज़ है बहुत ही ज़रूरी है, क्यों तो हमारे जो हम जितना डेकोरेशन कर रहे हैं, हम इतनी केयर कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती बताने के लिए सबसे अहम रोल होता है हमारा लाइट का, एलईडी लाइट्स का। लाइट भी ऐसी होनी चाहिए, हमें वाटरप्रूफ होनी चाहिए, क्यों तो सब टोटली वाटर पानी का काम है। पानी के अंदर हम अगर बिना अगर वाटरप्रूफ नहीं यूज़ करेंगे तो हमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसके लिए हमें तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये वाला RS का जो लाइट है, ये वाला जो ट्यूब लाइट्स है हमारे पास में एक 16 इंच तक के हैं। जैसा कि देखते हैं हम 2 फीट से 2.5 फीट के अंदर के जो एक्वेरियम में छोटे 2.5 फीट से अंदर के एक्वेरियम में हमें तो ये लाइट लगा सकते हैं। इसके पास में इसके अंदर हमें तो कलर 4 कलर मिलेंगे जैसा कि वाइट है, ब्लू है, पिंक है और मल्टी कलर, 3 कलर का भी लाइट शेड इसके अंदर मिल सकता है आपको। तो ये वाला हो गया, ये ट्यूब लाइट्स है। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर एक समरसेबल ट्यूब लाइट्स के LED ट्यूब लाइट्स है, इसके अंदर LED है, वाटर प्रूफ है, हम पानी के अंदर लगा सकते हैं और टॉप कवर के अंदर भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो लाइट है LED लाइट्स, इसका भी लंबाई कुल मिला के 15 से 16 इंच की लंबाई है, 2 फीट के अंदर के जो छोटे टैंक रहते हैं उसके अंदर हमें यूज़ करना ज़रूरी है, इसके अंदर आ सकता। और जो छोटे वाले जो टैंक होते हैं 1 फीट के 1.25 फीट के 15 इंच के अंदर के टैंक को हमारे पास ये छोटा वाला स्मॉल साइज़ का समरसेबल ट्यूब लाइट्स है तो अवेलेबल है, वाटर प्रूफ ट्यूब लाइट्स है। वाइट कलर इसमें भी 3 से 4 कलर है, एक वाइट कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, देखिए LED लाइट से छोटा वाला वाटरप्रूफ है, पूरा टोटली सील बंद किया हुआ है, पानी इसके अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो दोस्तों आगे हमें देखेंगे कि हमारे पास में अगर वाटर फाउंटेन, बड़े बड़े फाउंटेन बनाना है, बड़े एक्वेरियम है जिसके अंदर हमें फोकस अलग अलग कई टाइप के करने हैं तो उसके अंदर हमारे पास में बिग साइज के लाइट्स अवेलेबल है, वो भी देखेंगे। ये वाटरप्रूफ लाइट्स है, इसको हमें तो वाटर फाउंटेन में एक्वेरियम में टॉप कवर के अंदर साइड से लगा के हम मछली को फोकस डायरेक्टली दिखा सकते हैं और अलग अलग कलर के अलग अलग स्टेप में
इसकी एक्टिविटीज़ होती है 5 से 6 टाइप में, अलग अलग है, तो ये स्टेप में चलते हैं। एक एक ब्लू कलर, वाइट कलर, सब टोटली कलर मिक्स है इसमें, एक 7 कलर मिक्स होके ये कंटिन्यू ऑटोमेटिकली चलता रहता है।